हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फार्मासिस्ट देवेंद्र। आप देख रहे हैं प्रोलाइफ। फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक लिए हैं अस्थमा, जो ठंडी सर्दी के टाइम वो ज़्यादा होता है। अस्थमा के बारे में अगर हम देखें तो हमारा जो सांस नली है, वो सांस नली की यानी रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन या जो नैरो हो जाने से क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा म्यूकोस प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण हमको सांस लेने में तकलीफ होता है, हम सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण इस कंडीशन को हम अस्थमा बोलते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन है, ये कभी ठीक नहीं होता है। हाँ, इसका सिम्टम्स जो दिखाता है, इसको हम दवाई के द्वारा या किसी प्रिवेंशन के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं, लेकिन अस्थमा कभी ठीक नहीं होता है। COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो ये होता है बेसिकली अस्थमा। अगर तो अस्थमा क्यों होता है अगर हम देखते हैं, तो जो आजकल हमारा जो एनवायरमेंटल का पोल्यूशन है, जैसे कि धूल, मिट्टी और धुआं, इस ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अस्थमा आजकल बढ़ने का, अस्थमा के कंडीशन बढ़ने का। और दूसरा जेनेटिक फैक्टर, यानी आपके में किसको अगर अस्थमा हुआ है तो आपको भी अस्थमा होने का चांसेस ज़्यादा है। और एक बात है जो ओबेसिटी, यानी अगर आपका वजन ज़्यादा है यानी ओवरवेट है, तो उसी के कंडीशन में भी आपको अस्थमा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अस्थमा में आपको क्या क्या लक्षण अगर देखते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका ब्रीदिंग, जो आप जो सांस लेने हैं, वो सांस लेने में डिफिकल्ट ज़्यादा हो रहा है, कॉफ निकलता है, और व्हिस्लिंग जैसे साउंड, यानी आप जब सांस लेते हैं वो जो बांसुरी जैसा साउंड आपको सुनाई देता है। ये होता है अस्थमा का कुछ जनरल सिम्टम्स। और आपको कभी कभार जो सांस लेने में चेस्ट में टाइट हो सकता है, सांस लेने में चेस्ट में भारीपन आ जाता है, ये सब उसका कंडीशन होता है। और एलर्जी लाइक सिम्टम्स आपको दिखने को मिलता है उसमें, और आपका हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाता है। ये होता है अस्थमा के कुछ सिम्टम्स। अगर हम अस्थमा को कैसे डायग्नोसिस अगर करते हैं, तो अगर आप मेडिकल में जाते हैं, किसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, तो वो पहले आपका चेस्ट का एक्सरे और CBC करवाते हैं। फ्रेंड्स, अगर अस्थमा के प्रिवेंशन हम देखेंगे, तो जो आपको एलर्जी हो रहा है, जैसे छींक वगैरह हो रहा है, जो एलर्जी का सिम्टम्स आपको दिखाता है, उससे आप दूर रहिए, यानी कुछ घरेलू उपचार जैसे उसको कीजिए। और स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर दीजिए, करने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है अस्थमा का। तो कोल्ड, जो भी कुछ कोल्ड चीज़ है, जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सारा चीज़ आप बंद कर दीजिए। अगर पी रहे हैं तो उसको लेना बंद कर दीजिए, तो अस्थमा के कंडीशन से ये एक प्रिवेंटिव है। कुछ मेडिटेशन, योगा वगैरह उसमें कीजिए, तो ये अस्थमा के लिए फ़ायदेमंद होगा। और अभी अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसके बारे में बहुत सारे दवाइयाँ निकल चुका है। आपका इनहेलर्स ले सकते हैं, जो लिबोसाल्बोटामोल, साल्बोटामोल, यानी आपको सेरीफ्लो, ये सारे चीज़ आता है मार्केट में, आप उसको है वो भी आता है, जैसे कि मॉन्टुलकास्ट और जेफ्रीकास्ट, ये सारा दवाई आप लीजिए। तो ये क्या करता है, ये आपका जो अस्थमा के कंडीशन को और एलर्जी वाला सिम्टम्स को ये धीरे धीरे कम कर देता है, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक ड्रग है। और अस्थमा के लिए अब जो एबीफाइलिन, एसीबीफाइलिन, ये करके अब ये ब्रांड नेम है एबीफाइलिन, इससे कुछ दवाइयाँ निकल चुका है, आप इसको लेंगे तो भी ये बड़ा अच्छा फायदेमंद साबित होता है उसमें। और आप क्या करता है, जो ब्रोंकोडाइलेटर होता है आपका, इट्रोपेन और ट्राइट्रोपेन, ये करके ये दवाइयाँ सब निकल चुका है, आप ये दवाई को अच्छे से लीजिए, दवाई टाइम पर लीजिए, तो आपको अस्थमा से थोड़ा राहत मिलेगा। फ्रेंड्स, अस्थमा कभी ख़त्म नहीं होता है, ये आपके साथ ही रहता है। अगर आप अस्थमा को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, अस्थमा से बचना चाहते हैं, तो ये सारा जो प्रिवेंशन मैंने बोला उसको फॉलो कीजिए, और ये जो सारा दवाई है उसको रेगुलर यूज कीजिए, यानी आप अस्थमा के लक्षण से, अस्थमा का जो कंडीशन होता है, उससे आपको राहत मिला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक अस्थमा करी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में नए हैं तो बेल बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको पहले नोटिफिकेशन हो। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।